अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से टाइम नहीं मिल सका, इस वजह से हम जल्दी अपनी वीडियो जो है वो नहीं बना सके। आज की वीडियो में हम 55K की रेंज में एक पीसी बिल्ड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पीसी बिल्ड की। तो आज तक हमने जितने भी पीसी बिल्ड किए हैं वो कस्टम बिल्ड किए हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री बिल्ड पीसी के बारे में, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप हो चुकी हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में हम प्री बिल्ड सिस्टम की बिल्ड करेंगे। और मैं मोस्टली कस्टम बिल्ड का ही मशवरा देती हूँ आपको, लेकिन आज की हम बात करेंगे प्री बिल्ड सिस्टम के लिए। तो उसके लिए आप बेशक पूरा घंटा लगा के पीसी अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। प्री बिल्ड सिस्टम के साथ आपको जीपीयू नहीं मिलेगा, सो प्री बिल्ड में आपको केस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई प्री फिल्ड मिलेगी। तो आपने एक कोर i5 फोर्थ जनरेशन का प्री बिल्टी सिस्टम लेना है, जिसमें आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो हैं सिंपल टावर केस, फोर्थ जनरेशन का मदरबोर्ड, कोर i5 फोर्थ जनरेशन का कोई भी मॉडल का प्रोसेसर, मोस्टली कोर i5 4570। इसके साथ साथ आपको 8GB की रैम और 500GB की हार्ड डिस्क मिलेगी। इस सिस्टम में पावर सप्लाई छोटी होगी, तो आपने शॉपकीपर से कह के कोई भी 500 वॉट की पावर सप्लाई लगवा लेनी है, जो हमारे जीपीयू को सपोर्ट एंड हैंडल कर सके। ये चेंजिंग करवाने के बाद वो सिस्टम आपको मैक्सिमम 23,000 का की कॉस्ट में पड़ जाएगा, और थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद आपको 22,000 तक का भी मिल जाएगा। अब आपने अपनी विंडो के लिए एक ब्रांड न्यू SSD लेनी है 128GB की, जो आपको ₹3,500 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगी, और इस तरह से आपको पीसी की कॉस्ट ₹26,000 के राउंड अबाउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो बचे हुए पैसों में हमने एक GPU और PC के लिए पावर केबल और एक GPU के डिस्प्ले के लिए केबल लेनी है। तो इस प्राइस में आपके PC के साथ बेस्ट ऑप्शन AMD का RX 580 8GB 256 bit है, जो कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, और GPU की प्राइस इंक्रीज हुई है, तो ये GPU आपको ₹27,000 से ₹28,000 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। इससे ज़्यादा पे नहीं करना आपने, और रिमेनिंग ₹1K में आपने पावर केबल PC की और डिस्प्ले आउटपुट के लिए एक HDMI या कोई भी केबल लेनी है आपने GPU के आउटपुट कनेक्टर के अकॉर्डिंग। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमसे कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपकी कोई और डिमांड है किसी भी बिल्ड को लेके, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1 लाख के बजट में लेके आएंगे पीसी बिल्ड। सो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।